हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी रस्तोगी किचन। और मैं शालिनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ तिल बाजरे के स्नैक्स, जिसको कि हमने गुड़ से बनाया है। सर्दियों में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही गर्म होती हैं और हमारे शरीर को गर्माहट देती हैं। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 250 ग्राम गुड़, जिसको कि मैंने पहले ग्रेट कर लिया है। तो अब इस गुड़ में हम डाल देंगे 1 कप गुनगुना पानी, इससे गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। पहले गुड़ को पानी के साथ अच्छे से हम घोल लेंगे। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम बाजरे का आटा, जिसको कि पहले छान लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 50 ग्राम कच्चे तिल, दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे पास गुड़ का पानी है, उसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालकर हम आटा गूंदेंगे, और इसका आटा हमें थोड़ा टाइट लगाना है। पानी और डाल लेते हैं। बचे हुए पानी को भी इसमें ऐड कर देते हैं। को अच्छे से मल मल कर चिकना करके इसमें हम डो बनाएंगे। तो इस तरह से डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। ना ज्यादा हमने इसको सॉफ्ट रखा है और ना ही बहुत ज्यादा टाइट रखा है, ठीक इस तरह का हमें डो चाहिए है। अब इसकी हम बड़ी सी लोई बना लेते हैं इस तरीके से। लोई बन गई। अब यहाँ मैंने लिया है चकला और उसके ऊपर रख दिए एक पॉलिथिन। लोई को थोड़ा सा रिफाइंड में डिप करेंगे, स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से, पीछे भी लगा लेंगे ताकि हमारी स्नैक्स चिपके ना। पॉलिथिन को इसके ऊपर रख देते हैं, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि आटा हमारा फटे ना। आटा जितनी अच्छी तरह से गुथा हुआ होगा, लोई हमारी तब फटेगी नहीं। इसलिए हमें आटे को गूंथते समय ध्यान रखना है कि बिल्कुल अच्छे से गूंदना चाहिए आटा, नरम मुलायम हाथों से खूब मसल मसल के आटे को फलना है। और धीरे धीरे बेलन चलाकर इसको हम बड़ा कर लेंगे, जितनी मोटी आपको लेयर रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बहुत पतला, इसको हमें बेल लेना है। जब ये पूरा बेल जाएगा तो ऊपर की पन्नी को हम हटा देंगे। अब मेरे पास है छोटा गिलास, इससे हम इसके गोल गोल स्नैक्स बनाएंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। तिल, बाजरा, गुड़ तीनों चीज़ें बहुत गर्म होती हैं, इसलिए हम इसको सर्दियों में बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, कुरकुरे कुरकुरे इस तरीके से। किनारों को निकाल देते हैं इसके। आप देखोगे बहुत ही बढ़िया हमारे स्नैक्स बन चुके हैं। ना ही हमने इसको बहुत मोटा रखा है, ना ही बहुत पतला रखा है, और कितनी आसानी से अच्छे से निकल आए हैं। तो पहले हम इसको सारे बनाकर अलग रख लेते हैं। स्नैक्स हमारे बिलकर हो गए हैं तैयार। अब हम रिफाइंड को गर्म होने रख देंगे, और जैसे ही हमारा रिफाइंड गर्म होगा हम एक एक स्नैक्स को डालकर फ्राई कर लेंगे। एक बार जब रिफाइंड गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि स्नैक्स हमारे अंदर तक से सिक जाएं। जितने पैन में आ सकते हैं उतने हम डाल लेते हैं। अब ये एक साइड से थोड़े से फ्राई होने लगे हैं, तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सिकने की इसमें से खुशबू आने लगी है, तिल की, गुड़ की और बाजरे की। पलटते समय आप ध्यान रखें कि ये बहुत खस्ता है, अगर आप इसको जोर से पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो बहुत हल्के से हमें इसको इस तरह से पलटना है। पलट पलट करके सारे किनारों से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल को बाहर निकाल देंगे और इसको हम अभी अलग रख लेते हैं। बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसको एयर टाइट जार में भरकर रख 15 से 20 दिन भी ये खराब नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।